अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? आज आपको अपने जो नया जो यूट्यूब चैनल है पाप व्लॉग एंड टेक में खुश आमदेद। आज आपको समंदरी बाबा पार्ट टू का हम आपको सेकंड पोर्शन दिखाएंगे। पहले पोर्शन में हमने आपको मज़ार से मुतालिक तमाम चीज़ें हमने आपको बता दी थी, और अब जो सेकंड पार्ट है इसमें हम आपको जो मज़ार के बराबर में मस्जिद अली है और चिल्ला गाह है, इबादत गाह है, वो तमाम चीज़ें जो हैं बाबा जी के ज़ेर इस्तेमाल चीज़ें हैं उसकी हम आपको ज़्यारत कराएंगे। अभी हम सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। ये मस्जिद अली का मेन गेट है जहाँ से एंट्री होती है, और इसके बराबर में ये जो सफ़ेद आप देख रहे हैं इमारत, इसमें कुछ नवादरात रखी हुई हैं बाबा जी से मुतालिक, और ये है मस्जिद अली। पूरी वाइट मस्जिद है, ये मार्बल का काम हुआ है, संगमरमर का इसके अंदर, अच्छा है, खूबसूरत है और बहुत अच्छी और बहुत हवादार मस्जिद है ये। लेकिन गर्मी आज बहुत शदीद थी, यहाँ भी हवा तो चल रही है लेकिन गर्मी का एहसास भी है इधर। ये बहुत खूबसूरत मार्बल लगा हुआ है इसके ऊपर, ये थोड़ा सा ग्रीन एक हिस्सा बनाया हुआ मस्जिद का। अच्छा, ये मैं ऊपर मेरे आप देखें लेफ़्ट के ऊपर आप स्क्रीन पे आपको एक आई बटन नज़र आ रहा है। अगर आपको मासूम शाह बुखारी की दरगाह की आप अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप ये लेफ़्ट के ऊपर जो है ना एक आई बटन है उसको प्रेस कीजिए, आप उस वीडियो तक पहुँच जाएंगे। अच्छा, इस मस्जिद के साथ ही जो है वो बाबा जी के इस्तेमाल की कुछ चीज़ें भी मौजूद हैं। ये शजरा नसब है, पूरा इनका सिलसिला ज़िंदगी से मुतालिक सवाना हयात लिखी हुई है, और ये बाबा जी की ज़ेर इस्तेमाल एक कुर्सी है जो यहाँ रखी गई है, बाकायदा शीशे के बॉक्स है ये। और ये पीछे का जो रास्ता है ये कुछ मतलब गांव देहातों की कुछ बस्ती वगैरह है क्या है, घर बने हुए हैं क्या, यहाँ जो मज़ारे रहते हैं उनके कुछ घर बने हुए हैं। इसी के साथ लंगर खाना भी है जो मैंने आपको पार्ट वन में दिखाया था। वो पीछे ठट्टा की पहाड़ियाँ भी आपको नजर आ रही हैं। ये मस्जिद अली का अंदरूनी हिस्सा है, तकरीबन 200 के करीब यहाँ पे जो है गुंजाइश है, नमाजी जो है यहाँ नमाज अदा कर सकते हैं। पूरा सफ़ेद इसमें काम हुआ हुआ है, बहुत खूबसूरत मस्जिद है ये। यह पूरी मस्जिद को आप दिखाया जा रहा है आपको। अच्छा, इस मज़ार के साथ तकरीबन 2 किलोमीटर के फासले पे जो है एक मज़ार और है, कहते हैं यह है कि वो मज़ार यहाँ पर, ये देखें ये जो है ना ये चिल्ला गाह है, ये पहाड़ के अंदर का एक गार जैसा बना हुआ है, उस गार के अंदर जो है ये एक चिल्ला गाह है, यहाँ बैठ के मुराकबा वगैरह या इस तरीके से जिक्र अल्लाह होता था, और ये एक कमरा बना हुआ है, इसमें बाबा जी के ज़ेर इस्तेमाल कुछ चीज़ें वो मौजूद हैं, कुछ तस्वीरें भी मौजूद हैं। ये कमरा भी कुछ पहाड़ का एक हिस्सा महसूस होता है, क्योंकि इसके साथ देखेंगे तो एक आपको एक पहाड़ के अंदर एक गार नज़र आएगा। ये बाबा जी की तस्वीर मुबारक है और ये उनके ज़ेर इस्तेमाल एक चरपाई है जिसको शीशे के बॉक्स में अब रखा गया है, लोग आते हैं और ज़्यारत करते हैं यहाँ पर। ये देखें ये पहाड़ के अंदर का हिस्सा है, ये चिल्ला गाह कहते हैं यहाँ पे। अभी हम यहाँ से बाहर निकलेंगे तो किसी साहब ने बताया था, पार्ट वन में भी आपने सुना होगा, कोई रुकनुद्दीन है, उनका कोई मज़ार है तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर इस मज़ार से फासले पे, तो हमने कहा चलें वहाँ भी हम जाके ज़्यारत करते हैं, तो वो भी काफ़ी थोड़ा सा दूर है, बहरहाल हम गए थे उधर, उसकी भी अभी आपको दिखाते हैं। ये इसका एक रास्ता है और ये मेरे वो लोग हैं जो मेरे साथ गए थे। अच्छा, अगर आप हिडन प्लेस ऑफ ठट्टा की वीडियो देखना चाहते हैं तो ये ऊपर आई बटन है, उस आई बटन को आप क्लिक करेंगे तो आपको वो उस दरगाह उस जगह की वीडियो आपको मिल जाएगी। वैसे दोनों के डिस्क्रिप्शन जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। ऊपर से आप देखें मज़ार को, ये हम सीढ़ियों पे से उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और वो सामने देखते हैं लंगर खाना भी मौजूद है।
अभी मैं इस मदार से निकल चुका हूँ, अब मैं एक और मदार है इसी की थोड़ा आगे जाके, अब मैं उस वाले मदार जाऊँगा। ये रहा मदार, अब हम जा रहे हैं उस मदार की तरफ। तकरीबन 2 किलोमीटर है ये मदार, लेकिन थोड़ा सा कुछ हुआ ये था कि जब हम मदार पहुँचे तो हमें मदार के जो रखवाले थे, तो हम यहाँ तक तो पहुँच गए थे, लेकिन उन्होंने हमारे हाथ से मोबाइल वापस ले लिए थे, हमें यहाँ की रिकॉर्डिंग नहीं करने दी। वो सामने मज़ार आप देख लें मौजूद हैं। इस मज़ार की कुछ तारीख ये बताई जाती है कि ये मज़ार की ज़्यारत हुई थी ख्वाब में समंदरी बाबा को, तो उन्होंने ज़िक्र किया था कि जी ये फ्लैट ज़मीन है, यहाँ मेरा मज़ार है और यहाँ बकरी वगैरह आ जाती हैं और इस तरह का सिलसिला होता है, तो आप यहाँ ज़रा आप करें। तो बारह यहाँ खुदाई की थी तो बाकायदा मज़ार यहाँ निकल आया था, तो जब से ये है यही मज़ार है। लोगों को चाहिए कि पहले जब इस मज़ार पे आते हैं तो पहले इस दरगाह पे हाज़िरी दें और उसके बाद फिर समंदरी बाबा के मज़ार पे जाएं। लोगों को पता नहीं है, वो सीधे वहीं चले जाते हैं। बस रिकॉर्डिंग इसकी यहीं तक हुई थी, क्योंकि फिर हमसे जो है वो वापस मोबाइल वगैरह ले लिए गए थे। सैयद रुकनुद्दीन शहीद हैं ये मोहम्मद बिन कासिम के साथियों की कब्र बताई जाती है। अभी हम लोग मज़ार से बाहर आ चुके हैं। मज़ार से अभी मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये लिंक रोड है। अभी हम ये पीछे होटल आए, इधर हमने भी खाना वाना खाया है और इसके बाद अभी हम घर जाएंगे। आपको वीडियो कैसी लगी वो बताइएगा और कमेंट्स में बता देना हमारे को। अच्छा, दूसरा ये कि इस अगर आप जो है हमारी वीडियो देखना चाहते हैं, मासूम शाह बुखारी ये सदर के अंदर मज़ार है इनका, अगर इनकी वीडियो इनकी आप देखना चाहते हैं तो ये आप यहाँ पे मैं आपको 2 आपकी वीडियो की आपको मैं दे रहा हूँ, आप वहाँ आप क्लिक कर सकते हैं। और दूसरा ये कि हिडन पैलेस ऑफ ठट्टा, इसकी भी एक अच्छी वीडियो है मेरी, अगर वो आप देखना चाहते हैं तो वो आप नीचे भी क्लिक कर सकते हैं, तो ये दोनों वीडियो आपको मिल जाएंगी। वैसे तो खैर डिस्क्रिप्शन में भी ये चीज़ मैं दे रहा हूँ, मैं अगर चाहते हैं तो आप मेरे इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ इसका लिंक मिल जाएगा, आप देखें। बहरहाल अपने मुझे कमेंट्स बताइएगा। चलें जी, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।